पूरा इलाका है पानी के जद में आया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए वहाँ टैक्स लेता है हुकूमत पंजाब से, लेकिन यहाँ पर आवाम की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। यहाँ पर जो लोग हैं उनके लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। वो एक ही बंदे को करोड़ों पति कर दिया जो गरीब है, ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम कोई एलियन है, हम कोई रोबोट है, हम नहीं सांस लेते, हमें तकलीफ नहीं होती, हम रोटी से बैठे हैं, कसम से सुबह का नाश्ता भी नहीं, इस स्मेल में कैसे खाएंगे। मरियम नवाज यही चाहती है ना, आप अपनी आप जेबें भर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। नदीम अरशद को आपने खजाने में से पैसा दे दो, अपनी जेब से पैसा दो, फिर आपको पता चले खजाने में हमारा माल है, उसको दे जा रहे हो आप। हमारा किसने सोचा वो ये करोड़ यहाँ लगा के हमारा तो कहीं करवा दो, हम डेली के रोटी के बैठे हुए। ये हालात हुए पड़े हैं यहाँ पे, देखें आप खुद। लेकिन मूनसून की बारिशों का जो मौसम है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो गया है, और पाकिस्तान के मैं इस वक्त मुल्तान के इलाका हाफिज जमाल पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर मेरे जो गिर्द सारा है पूरा इलाका है पानी के जद में आया हुआ है। लाखों करोड़ों रुपए वासा टैक्स लेता है हुकूमत पंजाब से, लेकिन यहाँ पर आवाम की इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। आवाम परेशान है, ये रोज की दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं जो इस कदर परेशान है, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, घाट यहाँ पानी में कैसे चल के आएगा। यहाँ पर जो लोग हैं उनके लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन जो वासा है वो बिल्कुल भी ना किस कारदगी है, कोई भी इसके ऊपर ना वासा की यहाँ गाड़ियाँ आती है, ना ही वासा यहाँ से पानी निकालता है। ये लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से पानी निकालते हैं, चार पाँच दिन के बाद गुजरने के बाद यहाँ से इनका पानी निकलेगा। अब हम आपको दिखाएंगे जिन लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है, और जो लोग यहाँ पर परेशान है उनसे बात करके देखेंगे, और आपको दिखाएंगे कि मुल्तान के ये लोग किस कदर परेशान है। बारिशें अल्लाह की रहमत है, लेकिन इन लोगों के लिए रहमत बन गई है। आइए लोगों से बात करके देखें। इतना पानी था भाई, कल इतना इतना पानी था, अब इतना इतना हो गया पानी, छोटे तक हो गया। देखो पानी निकाल रहे हो, पानी निकालने वाले दुकान वाले क्यों बासा वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही? नहीं आ रही भैया, क्या वजह नहीं आ रही भाई? देखो हुकूमत ही बात से कर रही है, उसने करोड़ों रुपए टैक्स दिया बासा को? नहीं दिया। अच्छा हाँ जी, ये को हमारे मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि इतने मसाइल हैं तो हम लोग घर से निकलना परेशान हो गया हमारे लिए, परेशान है, खाने पीने से परेशान है, बच्चे छोटे छोटे हैं परेशान है, तो बाहर से कुछ चीज़ मुझे मिल नहीं रही, हमें दूर जाना पड़ रहा है इस टाइम, पानी इतना खड़ा हो गया है कि कोई हमारा केयर नहीं करता, कोई बंदा हमें रिस्पॉन्स नहीं देता, हम मजबूरी में खड़े हैं। देखिए अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें स्कूल की छुट्टी करवा रखी है, हमने घरों में भी हमें इतनी तंगी काट रहे हैं कि घरों में पानी इतना इतना खड़ा है। कब से ये पानी खड़ा हुआ है, यानी कि कब से ये मसला आपको दरपेश है? ये वाला मसला तो हमारा कोई हल नहीं कर रहा, हम 30 साल 35 साल से देख रहे हैं कि ऐसे चल रहा है। अच्छा 30 35 साल से ये पानी यही मौजूद है? ऐसे मौजूद चलता है पानी, यानी कि कोई वो नहीं करता, जब कभी शादा नाजल, ये तो चलो बारिश का हो गया, फिर गटरों की बैग इतनी लगती है कि वो जरा नहीं उनका आज तक उन्होंने केयर की, उसकी कोई तवज्जो नहीं की, यार इसका तो हल करे ना कोई ना कोई। गाड़ियाँ नहीं आती यहाँ पे, कोई गाड़ी निकालने पास की कोई गाड़ी नहीं आती। अच्छा यानी कि अपनी मदद आपके तहत आप यहाँ काम कर रहे हैं, जो मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं जी साफ सुथरा पंजाब जो है तो उनकी जो वासा यहाँ काम नहीं करती, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज को? मरियम नवाज क्या उनको कहना है, वो किसी काम की नहीं है। अच्छा देखो जी, वो किसी काम की होती तो हमारा हाल पूछती, आके रोड पे आते, कोई हमें रिस्पॉन्स देते, कोई हमें पूछते, किसी भी किस्म का मसाला हमारा कोई हल करते ना, हमें तो खाने पीने की भी तकलीफ हो रही है, घर से निकलने की तकलीफ हो रही है, कोई बंदा हमें पूछ नहीं रहा, तो हम तो सुबह गए ऐसे, कोई हमारे कार पेश नहीं आ रहा, कोई नहीं ऐसा आता भी आगे ढकने उठा के पानी निकाल दे, हम खुद पानी निकालते हैं ना, हमारे साथ कोई लेबर आती है, कोई चीज नहीं आती, हम बच्चे हमारे बेटे जो भतीजे हैं सारे इकट्ठे मिलकर ना हम ढकने उठाते हैं, ये फिर पानी जाता, वरना पासा को जो इतने फंड दिए जा रहे हैं वो उनकी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियों से आगे यहाँ पानी उठा रहे हैं यहाँ से, तो आपके इलाके में नहीं आते वो? कोई भी आता है, कोई भी नहीं आता, मरियम नवाज कहती है इसी फातिमा रोड पे नहीं जाना आपने। अच्छा हाँ, जो मर्जी हो जाए, डूबता डूब जाए, फातिमा रोड पे नहीं जाना आप, फातिमा रोड पे नहीं जाना जी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें ये मासूम जो बच्चे हैं यहाँ पानी के अंदर नहा रहे हैं और पानी के अंदर वो चल रहे हैं अपने काम से ही, बेशक वो घर से निकल के बाहर सड़क पर जा रहे हैं किसी चीज के लिए, बेशक रोटी के लिए, किसी भी चीज के लिए। ये मासूम बच्चे हैं, इनको तो कम से कम नहीं पता ना कि इस गटर के पानी में कितनी बीमारियां हैं,
और ये इनके जो वालिदैन है वो रोज की कमाने वाले हैं, यानी कि 500-700-1500 रुपए कमाने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये बच्चे बीमार हो गए तो क्या होगा? इनकी तालीम को देखेंगे इनके वालिदैन, इनके घर बार को देखेंगे, इनकी रोटी देखेंगे, इनकी सेहत के ऊपर पैसे लगाएंगे। आए आपको दिखाते हैं कि आके लोगों की क्या मुश्किल है और लोगों की जो दुकानें बंद है और लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है। आए देखते हैं गली के अंदर जो है पानी जा रहा है और यहाँ पर जो मकान है वो नीचे बने हुए हैं और जो सारा पानी है गटरों का पानी है घरों के अंदर जा रहा है। अब घरों के अंदर वो पानी निकालें या अपनी घरों को देखें क्या करेगी यहाँ की आवाम। आए आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं, जिस घर के अंदर जो सारा सामान है और सारी घर की चीजें वो पानी से भरी हुई है। आए अंदर आए, ये देखें, ये यहाँ पर भाई साहब जो है अपने घर के अंदर से जो है सामान निकाल रहे हैं। अब यहाँ घर वाले घर में रहेंगे या इस तरह की जो परेशानियां इनको सामना करना पड़ रही है वो देखेंगे। भाई साहब निकालें सामान, कैसे निकालते हैं? आए जी आपको एक और घर के अंदर जो पानी के मनाजिर है बारिश के बाद, आए वो दिखाते हैं आपको। आए चले जी, घर के अंदर मौजूद हूँ और ये घर का कमरा है इनका और कमरे में जो है पानी भरा हुआ है। ये देखें इन भाइयों की आधी आधी टांगों तक पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो घरों के अंदर खवातीन रहती हैं और ये बेचारे जो हैं रोजमर्रा की अपनी रोजी करने वाले हैं, अब ये अपनी रोजी छोड़ के बैठे हैं कि घरों के अंदर पानी भर गया है, अब इसको पानी को निकालेंगे और उसके बाद कोई करेंगे। हम खाना कहाँ पे पकाएं, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। सारे वो अरशद नदीम के पीछे लगे हैं जिसने नेजा फेंका है, उसको माल पे माल दे रहे हैं, कोई 10 करोड़ दे रहा है, 15 करोड़ दे रहा है, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई 1 करोड़ यहाँ लगा के हमारा तो पेट करवा दो, हम डेली के रोटी के बैठे हुए ये हालात हुए पड़े हैं यहाँ पे। देखें आप क्या करें, हम अपने बच्चों को देखें, हम अपनी रोटी करें, हम क्या करें, हम तो खाने से तंग हुए पड़े। एक टाइम दो टाइम का खा लेंगे, तीसरे टाइम कैसे खाएंगे हम? आप खुद समझदार हैं, सारे सारा कुछ तबाह हुआ था। पूरा घर जो है आगे है मेरा, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकें कि ये देखें अंदर जो कमरे हैं, कमरे के जो बेड हैं, ये बेड भी जो है पानी से भरा हुआ है। अब यहाँ पर घर वाले रहेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, क्या करेंगे? छोटे छोटे घरों के अंदर बच्चे हैं, इसी के गटरों के पानी से, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटर का पानी है, इसी से खुदा ने खासा बच्चों की बीमारी हो गई तो फिर क्या करेंगे ये लोग? अब ये लोग जो हैं ना यहाँ पर खाना बना सकते हैं ना रोटी बना सकते हैं। पानी के अंदर जो कश्तियाँ वो तैरती हुई देखी थी, आज हमने पानी के अंदर जो है पूरे कमरे जो है वो तैरते हुए भी देख लिए और ये जो बेड है ये भी तैरते हुए देख लिए। भाईजन क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज, जो पंजाब को इतना साफ सफाई का वो इन्होंने ख्याल किया है, पंजाब को क्या कहना चाहेंगे? कोई सफाई नहीं है। जब वोटिंग के दौरान था इन्होंने ऐसे हौसले दिए हैं जैसे एक बाप अपने बेटे को हौसला देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, हमारी जो बाहर गली है, पहली बात है साइडों पे नालियाँ, गली छोटी है, फिर बीच में इतने सुराख है। कल एक बुजुर्ग औरत आपको नहीं सामने आना चाह रही, वो बेचारी गिर गई, उनका सर फट गया है। अब ये देख ले ये पानी के हालात है, हम क्या करें, हम किधर जाएँ? हमें मार दो, हम अपनी ज़िंदगी से तंग हैं, हम खाने को परेशान हैं। अब देख लो कि पानी की वजह से हमारा काम बंद हो गया है, हमारी बार कोई पकौड़े समोसों की दुकानें हैं वो बंद होगी, हम कहाँ पे जाएं? हमें बता दो। ये मरियम नवाज मैं एक ही बार 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 करूँगा, वो नेजे वाले को उनको पैसे देने की पड़ी है, जो पंजाब के हालात है गरीबों का कौन सोचेगा? वो एक ही बंदे को करोड़ों पौधे कर दिया तो गरीब है, ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हम कोई एलियन है, हम कोई रोबोट है, हम नहीं सांस लेते, हमें तकलीफ नहीं होती, हम रोटी से बैठे हैं, कसम से सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, इस स्मेल में कैसे खाएंगे? ना चूल्हे या गैस वो बंद हुआ पड़ा, मीटरों के अंदर पानी है, रात पूरी लाइट बंद थी, चलो अल्लाह के हुक्म से लाइट आ गई, अब गैस नहीं, हम क्या करें? अब आप खुद समझदार, हमें बताएं हम क्या करें? हमें मार दो। मरियम नवाज यही चाहती है ना, आप अपनी आप जेबें भर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। नदीम अरशद को आपने खजाने में से पैसा दे दो, अपनी जेब से पैसा दो, फिर आपको पता चले खजाने में हमारा मार ये उनको ले जा रहे हो आप। हमारा किसने सोचा है? हमारा तो कोई सोच भी नहीं रहा, क्या करें हम? जी ये एक नौजवान नहीं बोल रहा, ये उसकी अंदर की तकलीफ बोल रही है,
जो कि जिस चीज़ों पे उसको सामना करना पड़ रहा है। अब घर के अंदर इस तरह के हालात होंगे तो किस तरह चलेगा। मरियम नवाज जो इतने फंड दे रही हैं बासा को, और बासा तो ये आपको दिखा रहे हैं कि बासा कुछ भी नहीं कर रहा, जहां पर जाना होता है वो वहां जाते नहीं है। इतने करोड़ों रुपए के फंड बासा ने लिए हैं और वो सारे के सारे फंड जो हैं वो सारे इन लोगों की अपनी जेबों में चले गए। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, हमारे हाल पे रहम करो, हमारा कुछ सोचो। हम डूब गए हैं, हम मर गए हैं, हम चीख चीख के मर गए हैं, हमारा कुछ सोचो। और यहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज है और सीएम पंजाब मरियम नवाज से सिर्फ यही कह रही है कि मरियम नवाज हमारा भी कुछ सोच लो। मरियम नवाज, मरियम नवाज, हमारे हाल पे रहम करो, हमारे हाल पे रहम करो, हम गंदे पानी में मर गए हैं, हमारे हाल का कुछ सोचो, हमें हमारे पे रहम कर दो, आपकी मेहरबानी। इसी के साथ अपने मेजबान अलीशर जाफरी और कैमरामैन काशिफ को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डब्ल्यू एम न्यूज। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।